महाराष्ट्र की 48 संसदीय सीट में एक है नांदेड़। यहां लोकसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला होने का आसार है। इस सीट पर पिछले 17 लोकसभा चुनावों में मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला रहा है। ये चुनाव भी कोई अपवाद नहीं। महाराष्ट्र में कई नए राजनीतिक गुट बने हैं, फिर भी नांदेड़ में असली मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर और कांग्रेस के पूर्व विधायक वसंतराव चौहान के बीच माना जा रहा है। दोनों उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लोकसभा तो दंगल था, अब चुनाव बोलने का तो हर जगह में तो दंगल होने वाली है। लोग ठहरेंगे आने वाले दंगल में, किसको आगे भेजने का है, किसको घर को भेजना। भाजपा का आह्वान मेरे पास आज ये नांदेड़ जिले में नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूँ। अभी बैकफुट पे भाजपा। मुझे तो कुछ लगता नहीं, मोदी जी के सामने ये इलेक्शन मोदी जी का है। अभी मोदी जी के बराबर का नेता तो देश में है नहीं है, तो लोग को तो मोदी जी ही है। मेरे ऊपर कोई नाराज हो सकता है, मोदी जी के ऊपर हो नहीं सकता है। 100% भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की है, 100% मोदी जी की जीत नांदेड़ से पक्की है। चुनाव मैदान में अविनाश भोसीकर भी हैं। वे प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि इस बार वोटर उन्हें ही चुनेंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहां विकास की कोई बड़ी परियोजना नहीं लगी है। नांदेड़ का सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह है कि नांदेड़ के सभी तालुका की एमआरडीसियां बंद है। किसी भी एमआरडीसी में कोई नया प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है, जो प्रोजेक्ट है वो बंद हो रहे। नांदेड़ में जो पानी का सिंचन का प्रश्न है, आज जिले में कोई नया धरण या कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं आया है। नांदेड़ में आरोग्य सेवा का इतना बुरा हाल है, गांव खेड़े में कहीं भी आरोग्य सुविधा नहीं है। उनका दावा है कि नांदेड़ में मुख्य मुकाबला उनकी पार्टी और बीजेपी के बीच होगा। कि सभी समस्या जो है इस सॉल्व करने के लिए मेरी पहली प्रायोरिटी है, और मेरा खुद का एक विजन है, मेरा खुद का एक प्लान है जो मुझे करना है। अगर मैं पावर में आता हूँ या मैं चुन के आता हूँ तो मेरा एक प्लान है, विजन है, तो इसके तहत मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। कौन सी पार्टी के साथ मुख्य लड़त है? मुझे लगता है या ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारी बीजेपी के साथ फाइट है, क्योंकि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। नांदेड़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी।